अभी तक की इनकी जो तनख्वाह आई है लगभग लगभग 36 लाख के करीबन आई है, और इनके जो एसेट्स आए हैं 9 करोड़ के। तो इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है, इसकी हमने शिकायत विजिलेंस में करी। जब आप आर्थिक क्षेत्र में रहते हैं, इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं तो 40 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ और 3 बार मंत्री बना हूँ, तो ऐसे लोगों की मैं ध्यान देना उचित नहीं समझता। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी मुमगई। तोहमत के जिस तख्त पर कभी गामा भी चढ़े हैं, आज मंत्री जोशी लांछन के उसी फट्टे पर खड़े हैं। जिन प्रश्नों से कभी जनता ने मेहर साहब को घेरा था, उन्हीं समान सवालों के पटल आज मंत्री के लिए पकड़े हैं। वही दौलत पर पूछा पाछी, वही जरियों पर अटकलबाजी, पूंजी स्रोतों पर अनुमान भिड़ाना, संपत्ति की गणित बिठाना, मानो मुसीबत के एक ही मेहमान ने कुंडा खटखटाया है। गामा से मिलकर अब वो मंत्री जोशी के घर आया है। सवाल है कि क्यों और किसकी वजह से? आखिर आज जनता के निशाने पर जो कैबिनेट मंत्री की दौलत आई है, वो किसकी बदौलत आई है? किसने ऐसे और किस आरोप पे गणेश जोशी को लेकर वो संदेह जता दिया है, जिसने लोगों की क्रोधाग्नि को भड़का दिया है? और हाँ, इससे दून के मेयर रहे गामा की याद क्यों और किस घटना पर आती है? सारे सवालों का जवाब जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति कई वजहों से गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश के अंदर बहुत से मसलों ने सियासत का पारा बढ़ाकर रखा है। अंकिता भंडारी के माता पिता का अनिश्चितकालीन धरना, आशुतोष नेकी की गिरफ्तारी, सर्ट विधायक की नगर आयुक्त के साथ तूतड़ा का वीडियो, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी का कांग्रेस से इस्तीफा देना, इन सभी मुद्दों पर माहौल गरमाया हुआ है। ऐसे में जब भाजपा के एक और माननीय पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे, तो सत्ता के गलियारों में बहने वाली पवन का तापन भी बढ़ गया। और बढ़े भी क्यों ना, ये गंभीर आक्षेप लगे भी प्रदेश कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर है। जी हाँ, उत्तराखंड सरकार में अहम मंत्रालय देखने वाले कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि मंत्री जोशी पिछले 15 सालों में करोड़पति बन गए। कहा तो विधायक और मंत्री पद के तौर पर 2007 से 2023 तक उन्हें कुल 36,54,000 रुपए वेतन के रूप में मिले हैं, और कहा उन्होंने 2022 के चुनावी हलफनामे में अपनी आय 9 करोड़ बताई है। इसके अलावा गणेश जोशी पर यह भी आरोप लगा है कि देहरादून और हरिद्वार में उनकी 10 से अधिक प्लॉट और फैक्ट्री है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री पर यह आक्षेप आरटीआई से मिली जानकारी के आधार पर लगाए गए हैं। इस आरटीआई को फाइल करने वाली कोई और नहीं बल्कि विकेश ने की है। आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने आरटीआई और एडीआर रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा किया है कि पिछले 15 साल में गणेश जोशी करोड़पति हो गए। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक गणेश जोशी ने विधायक और मंत्री रहते हुए सिर्फ 36 लाख का वेतन लिया, लेकिन उन्होंने 2022 के चुनाव में जो हलफनामा दिया उसमें अपनी आय 9 करोड़ बताई है। शिकायत में कहा गया है कि 2011 से लेकर 2022 के बीच कैबिनेट मंत्री ने अपने बेटे, अपनी बेटी और अपनी पत्नी के नाम पर कुल 5,08,79,510 रुपए की संपत्ति खरीदी, जो कि उनके ज्ञात आय स्रोतों से कहीं अधिक है। इसके अलावा मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। विकेश नेगी की माने तो गणेश जोशी के बेटे मयंक जोशी ने अपनी पत्नी पंखुड़ी शर्मा को 8 मई 2019 को एक जमीन गिफ्ट में दी, जिसकी कीमत 6,15,000 दर्शाई गई। ऐसे ही गणेश जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी को 2021 में 1 करोड़ संपत्ति दान दी है। गणेश जोशी के दामाद सौरभ नांगिया ने 2,76,00,000 रुपए बाजारी मूल्य की भूमि अपनी पत्नी नेहा जोशी को दान स्वरूप दी। इसके बाद नेहा जोशी ने यही भूमि अपने भाई मयंक जोशी को दान कर दी। एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक ये मनी लॉन्ड्रिंग है। इतना ही नहीं, एडवोकेट विकेश नेगी के मुताबिक 2007 के चुनाव में गणेश जोशी ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें कुल 42 लाख की संपत्ति दर्शाई थी। मजेदार बात यह है कि गणेश जोशी ने 2011 में जो आयकर रिटर्न भरा उसमें अपनी आय महज 3,90,692 रुपए दर्शाई। साल 2012 के चुनाव में जो हलफनामा दिया गया था उसमें उन्होंने बैंकों में अपनी जमा पूंजी लगभग 13 लाख बताई, एफडी और एनएसएस से 10 लाख की आय दिखाई, बच्चों की शिक्षा पर ऋण समेत 29,93,000 का कर्ज दिखाया। चुनाव में गणेश जोशी ने 2012 में 9,55,009, 2017 में 24,02,600 रुपए और 2022 में 29,99,222 रुपए का खर्च दर्शाया है। ऐसे ही कई गंभीर आरोप लगाते हुए एडवोकेट नेगी ने विजिलेंस से शिकायत की है कि गणेश जोशी ने पद का दुरुपयोग करते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। ऐसे में उनके खिलाफ धन शोधन, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गणेश जोशी, उनकी हमने जब आरटीआई डाली प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी का जो उन्होंने अपना ब्यौरा दे रखा था चुनाव आयोग में, वो 2022 का, उसमें अपना इन्होंने लगभग 9 करोड़ का ब्यौरा दे रखा था। फिर उसके बाद हमने चुनाव आयोग से इनका इलेक्शन का खर्चा मांगा और वो आया 2012 में इन्होंने 9 लाख का दिखा रखा था, 2017 में इन्होंने 25 लाख का, और 2022 में इन्होंने
29,99,000 का के लगभग का दिखा रखा था, और संपत्ति जो हमने फिर इनकी जो सर्टिफाइड कॉपियां निकाली हैं तो कम से कम इनकी 10 से 12 प्रॉपर्टियां हरिद्वार में हैं और देहरादून में हैं। अब टोटल इनकी अभी तक की इनकी जो तनख्वाह आई है लगभग 36 लाख के करीबन आई है, और इनके जो एसेट्स आए हैं 9 करोड़ के। तो इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई है इसकी हमने शिकायत विजिलेंस में करी है। मैं इसका जिस चैनल में जवाब दे चुका हूँ उसमें कोई कमेंट नहीं करूँगा, जिस चैनल में कहता मैं, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो अपना जो है पूरा जो आय का विवरण उसमें देते हैं, और उसका जवाब मैं दे चुका हूँ। कोई बात नहीं, कोई जब आप राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं इन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। और मैं तो 40 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ और 3 बार मंत्री बना हूँ, तो ऐसे लोगों की तो मैं ध्यान देना उचित नहीं समझता। तो जैसा कि आपने सुना, मंत्री जोशी के मुताबिक वो पिछले 4 बार से विधायक हैं, 3 बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, चुनावों के सभी शपथ पत्रों में आय और संपत्ति का संपूर्ण ब्यौरा दिया है, आरोप निराधार है, उनकी छवि खराब करने का प्रयास हो रहा है, वो इसके लिए तैयार रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने जोशी पर निशाना साधते हुए ट्वीट भी किया है। हरीश रावत ने लिखा कि मीडिया में गणेश जोशी की संपत्ति को लेकर एक गंभीर समाचार सामने आया है जो एक आरटीआई के माध्यम से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। मंत्री जोशी के माथक उद्यान विभाग में जो घोटाला हुआ वो अब सीबीआई की जांच के अंतर्गत है, और सिंचाई विभाग में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हुए घोटाले की भी चर्चाएं समाचार पत्रों में छाई रही हैं। तो यानी कि हरदा गणेश जोशी से जुड़े सभी विवादों की तैयार सूची जनता को दिखा रही है। खैर, जाते जाते बताते चले कि गणेश जोशी की आय को लेकर ये आरोप लगाने वाले विकेश नेगी वही एडवोकेट है जिन्होंने कुछ समय पहले गांवों को लेकर खुलासे किए थे। आपको याद दिलाएं कि पिछले साल मार्च के ही महीने में आरटीआई एक्टिविस्ट ने गांवों की संपत्ति के कई गुना बढ़ जाने की बात कही थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि मेयर बनने के बाद से उनकी संपत्ति 2 करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ से अधिक हो गई। इसमें उन्होंने खुद अपने और अपने परिवार वालों के नाम पर देहरादून में करोड़ों की जमीन खरीदी, अपने पद का फायदा उठाकर अपने परिवार के नाम पर लीज पर भी कई संपत्तियां ली। बता दें कि मामले में विजिलेंस की जांच गतिमान है, अब ये दूसरी जांच भी विजिलेंस को करनी है। देखना होगा कि मामले में जांच के परिणाम क्या निकल कर आएंगे, साथ ही इस मामले के लोकसभा चुनाव से पहले उठने के कारण इस पर कांग्रेस क्या रुख रखती है, किस तरह से मसले को भुनाती है, सक्रिय होती भी है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।